सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्टेटस फोटो को कहाँ से डाउनलोड किया जाता है, वो भी कॉपीराइट फ्री, कि जिसकी वजह से हम अगर वीडियो बनाते हैं तो हमारे वीडियो पर कॉपीराइट नहीं आएगा। तो चलिए, हम कैसे करते हैं फ्रेंड्स डाउनलोड, और आप लोग को भी कैसे करना है, चलिए हम बताएंगे आज की इस वीडियो में फुल प्रोसेस। तो बने इस वीडियो के अंत तक, और अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए वीडियो को लाइक, और हमारे इस चैनल पर नए नए होंगे तो चैनल को भी कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए अगर आपको क्या करेंगे कि यहाँ से अगर गूगल पर जाकर सर्च करेंगे कोई भी इमेज को, तो देखिए फ्रेंड्स आपको कॉपीराइट क्लेम आ सकता है। बट देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ सिंपली से आ जाना है अपने प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में आ जाने के बाद फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे सर्च करना है आपको पिंटरेस्ट, एक एप्लीकेशन होता है पिंटरेस्ट। तो पिंटरेस्ट हम सर्च करते हैं, पिंटरेस्ट सर्च करके ये देखिए फर्स्ट में आ रहा है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार का इंटरफेस इसका दिखेगा, तो ये भी देख लीजिए आप लोग, ये पी टाइप का लिखा होता है। तो देखिए क्या करना है कि आपको सिंपली से इंस्टॉल कर लेना है फ्रेंड्स। तो चलिए, हमने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो हम इसको करते हैं ओपन। चलिए ओपन पर क्लिक किए, ओपन पर जैसे ही क्लिक किए तो देखिए फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिख गया, एकदम वीआईपी यहाँ पे इमेज आपको मिलता है। जिस भी अगर मान लीजिए कि आपके कोई भी आता है जो इससे कि जैसे कि मान लीजिए कि हम अगर हम किसी को सर्च करके यहाँ पे लेते हैं, तो मान लीजिए कि हम यहाँ सर्च करते हैं अक्षय कुमार। चलिए अक्षय कुमार यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, अक्षय कुमार। तो अक्षय कुमार क्लिक करेंगे तो देखिए अक्षय कुमार का पूरा इमेज यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ से आपको क्या करना है कि सिंपली से डाउनलोड कर लेना है। तो इसको कैसे डाउनलोड करेंगे, तो यहाँ देखिए ऊपर में 3 डॉट का ऑप्शन आएगा, तो इस पर क्लिक करके यहाँ देखिए नीचे पे एक डाउनलोड इमेज का ऑप्शन मिलेगा, तो इसको आप डाउनलोड कर लेंगे यहाँ से। तो ये फाइनली देखिए ये डाउनलोड हो चुका है। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। तो देखिए अगर आप गूगल से जाकर करते हैं तो आपके वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम आ सकता है फ्रेंड्स। तो इसीलिए आपको ये एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, यहाँ से कॉपीराइट फ्री इमेज मिलता है। जिस भी इमेज का मतलब करना चाहते हैं डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी बिना कोई कॉपीराइट के, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, यही है एप्लीकेशन फ्रेंड्स। तो इसको कर लीजिएगा आप लोग इंस्टॉल। तो मैं भी यहीं से स्टेटस वीडियो बनाने के लिए लेता हूँ, जो भी इमेज लेना होता है मुझे, तो आप लोग भी यहीं से लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, तो बहुत लोग पूछ रहे थे कि भाई आप कहाँ से लेते हैं इमेज, तो चलिए आप लोग कंफर्म हो गया होगा। तो अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो कर दीजिए लाइक, और हमारे इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस प्रकार से और भी जानकारी आपको इस चैनल से मिलने वाली है और आगे भी मिलती रहेगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक्स।